आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में मनाया गया पुलिस झंडा दिवस, राष्ट्रीय एकता दौड़ का किया गया आयोजन। जशपुर में छठ पर्व एवं पर स्वच्छता का दिया गया संदेश। बड़ीपानी में ग्रामीणों और तहसीलदारों ने की है साफ सफाई। कोरिया में ऐप डाउनलोड कर दी, बच्चों को साइबर से संबंधित जानकारियां। स्कूली बच्चों एवं ग्रामीणों को किया गया सावधान। रायपुर में मुख्यमंत्री ने लोगों को दिया छठ महापर्व की बधाई, छठ पूजा के चलते एक दिन का सामान्य अवकाश। कोरबा में अज्ञात वाहन को ठोकर से युवक की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों से। छत्तीसगढ़ में शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में राज्य स्तर पर 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पुलिस झंडा दिवस एवं राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस कड़ी में आज भिलाई के स्वीक सेंटर स्थित ट्रैफिक गार्ड में सुबह 7 बजे से शहीद स्मृति एकता दौड़ प्रारंभ की गई थी, जो शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए वापस ट्रैफिक पार्क में समाप्त की गई। इस प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों और धावकों सहित पुलिस के आला अफसरों ने भाग लिया। सभी राष्ट्रीय एकता के पक्ष में हम सभी शपथ ले गए, ताकि जो है इस देश में अलग अलग जाति धर्म और सभी के लोग हैं, सभी के पक्ष में कैसे एकता बना के देश को आगे ले जाए। इस तरह ये आप लोग कहाँ से? ये SSP SHP भिलाई, जो हमारा ऑफिस है बड़ौदा है, उसके तहत जो है सभी जवान हमारे सशस्त्र सीमा बल। कोरबा जिले के कुसमांडा क्षेत्र में नियंत्रण हो रहे सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे, इसी क्रम में एक बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक सड़क पर सिर के बल गिर गया। रास्ते में गुजर रहे लोगों ने डायल 112 को इसकी सूचना दी। डायल 112 मौके पर पहुंचे और युवक के विकास नगर स्थित अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया है। वहीं कुसमांडा पुलिस द्वारा शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। कोरबा शहर से लगे हसदेव नदी के गेरवा घाट में रेतवा घाट के रात के वक्त चोरी जमकर हो रही है। रेत में भरे ट्रैक्टर थाना चौकियों के सामने से धड़धड़ाते हुए गुजरते नजर आ रहे हैं, पर जिम्मेदार लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। अंधेरे में चोरी का खेल साठगांठ से खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सख्त हिदायत को नजरअंदाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रति ट्रैक्टर 4,500 रुपये की अवैध वसूली के एवज में घाट खुले छोड़े गए हैं। सिंडिकेट बनाकर रेत की चोरी करने वालों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा, NGT के निर्देशों का उल्लंघन है। देखना यह हुआ कि रेत माफियाओं पर प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है। जशपुर जिले के पथलगांव थाने के अंतर्गत पाकर गांव में दो बाइक सवार बदमाशों ने प्रतिष्ठित व्यापारी से उठाई गिरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की शिकायत के बाद एडिशनल SP दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, और साथ ही CCTV फुटेज की मदद से बदमाशों की शिनाख्त पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। थलगांव थाने के समीप पाकर गांव है। पाकर गांव से राजेंद्र प्रसाद गोयल जी एक व्यापारी हैं, उनके द्वारा थाने में सूचना दी गई कि वो अपने दुकान से घर की ओर जा रहे थे स्कूटी में। इस दौरान दो बाइक सवार युवक आए और उनको गिराने की कोशिश की, जिसमें वो संभल गए, गिरे नहीं, और इस बीच जो है बगल में जो बैग वो पैसे का रखे थे उसको वो छीन करके चले गए। इसके बाद उनके पोते के द्वारा उनका पीछा भी किया गया और इनके द्वारा भी पीछा किया गया,
लेकिन आरोपी जो है उनका बैग छीनकर फरार हो गए। खबर सरगुजा जिले के मैनपाट वन परिक्षेत्र के बीट गार्ड में एक ग्रामीणों को डंडे से मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसको देखते ही मैनपाट वन परिक्षेत्र के रेंजर ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, जिसके बाद वन विभाग के कई बार ग्रामीणों को अतिक्रमण न करने के लिए ग्रामीण वन विभाग के कर्मचारियों से गाली गलौज करने लगा और वन विभाग के कर्मचारियों ने डंडे से ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसके बाद वन विभाग के डिप्टी रेंजर के मामले की जाँच करते हुए कार्रवाई की बात कही। जगह कुछ दिन में सुमार साहर जोत कोड करा त्रिस तिलक कई बार मना कर रही और पर भी हर और जबरदस्ती हुई जोत कोड करा त्रिस था फिर आई के हुई हमार सिपाही हरा की मना करी पर भी हुई मना करे ले गाली गलौज दे केकरो बात ला मानबे नहीं करे पूरा गांव कर भी बोल देते हैं करे कसमत कर ना जंगल ला बचाबो तो हम ही मन लागे चल के काम दही वही जंगल के बारे में जोत कोड़ कर रहे थे तो सिपाही साहब जाके डांट दबाव किए तो पहले उनका पिताजी से गाली गलौज हो रहा था उल्टा सीधा बोल रहे थे हम लोग भी बोलेंगे तो उसी समय में फिर समझौता करके उन लोग को रोक दिया गया। प्लांटेशन के समय में बोले थे तो उनका वो कंपार्टमेंट दूसरे जगह का बताया इसलिए उनको समझाए थे और फिर दोबारा जाके उसको जोत कोड़ कर रहे थे तो उस दिन जाके सिपाही साहब फिर बोले। इन लोगों ने भी बताया कि हम लोग भी जंगल को बचाने के लिए बोले इन लोगों ने माना नहीं और एक बार कहने के बाद दूसरे बार भी जब गए तो भी इन लोगों ने माना नहीं और फिर भी एक अदंड तरीके से जोत कोड़ करना शुरू किया और जब बात करने आदमी जाता है तो इनके द्वारा गाली गलौज किया जाता है। तो ये चीज़ हम भी चाहते हैं कि न हो, गांव वाले सुरक्षा की दृष्टि से चाहे कुरवा बंधु हों या उरांव बंधु हों या यादव बंधु हों या हम सब चाहेंगे कि जंगल की रक्षा करें सुरक्षा करें और नए जोत कोड़ न करें ताकि इनके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि कार्रवाई न करते हुए समझाइश देते हुए जंगल की सुरक्षा करवाया जा सकता है। खबर बिलासपुर से, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हुक्का की अवैध अवैध कारोबार करने वालों के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हुक्का फ्लेवर के साथ हुक्का पाट और चिलम पाइप आदि बरामद किया गया है। वह इस मामले में टीआई परिवेश तिवारी ने बताया कि नाबालिग को बिक्री करने का हुक्का का फ्लेवर सामान उपलब्ध कराने का दोषी पाया गया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के प्रताप चौक स्थित लक्की चंदन पान दुकान के बारे में सूचना मिली कि उसके द्वारा नाबालिग बच्चों को प्रतिबंधित जो है तम्बाकू पान और हुक्का से संबंधित सामान बेचा जा रहा है, जिस पर सिविल लाइन पुलिस के द्वारा वहां रेड किया गया। रेड के दौरान प्रतिबंधित जो है तम्बाकू युक्त फ्लेवर्ड वाला हुक्का का सामान और हुक्का पॉट पाइप चिलम और अन्य सामग्री जो हुक्का के उपयोग में काम आता है लगभग जिसका अनुमानित मूल्य 2 लाख रुपए है जब्त किया गया है और आरोपी विशाल के करौनी और नीरज साहू को हिरासत में लिया गया। खबर कोरबा से, जहां पर्यटन स्थल के सतरेगा के मुख्य मार्ग पर हुए हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। कोरबा में कुशमांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत साइलो के पास त्रिपुरा राइफल्स और डीजल चोर गैंग टकराव हुआ है। बता दें कि बुलोरो वाहन से खदान पहुंचने थे, वहां त्रिपुरा राइफल्स के जवानों ने उन्हें धर दबोचा तो वहीं डीजल चोरों ने भी त्रिपुरा राइफल्स के जवानों पर पथराव किया और चकमा देकर भाग गए। तो उधर आक्रोशित जवानों ने बुलेरो गाड़ी की तोड़फोड़ की और उसे जब्त कर लिया गया और आगे की जाँच में जुट गए। खबर कोरिया जिले के बैकुंठपुर ग्राम से है, जहां के मुरमा और डबरी पारा के शासकीय स्कूल में हमारी बेटी हमारा मान के समर्थन में अभियान अभिव्यक्ति एक्ट के तहत स्कूली बच्चों एवं ग्रामीणों शिक्षकों के अभिभावकों ने फोन में
अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराकर बच्चों को साइबर से संबंधित जानकारी दी और नशे के संबंध में जागरूक करते हुए महिलाओं के साथ धोखाधड़ी के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ कई लोग भी वहां मौजूद रहे। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर भारतीय और भोजपुरी समाज सहित समस्त प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर सभी लोगों को सुख समृद्धि और खुशहाली की बात भी उन्होंने कही। साथ ही छठ पूजा जीवन ऊर्जा के स्रोत सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करने का पर्व है। इस पर्व को भाईचारा सामुदायिक सौहार्द लाने के साथ साथ लोगों को प्रकृति व करीब लाता है। इस अवसर पर सूर्य और छठी मैया की उपासना की जाती है। वहीं छठ पूजा के चलते छत्तीसगढ़ में एक दिन का सामान्य अवकाश भी घोषित किया गया है। जसपुर जिला ब्लॉक में फरसा बहार में तहसील व कमलेश गिरी व ग्रामीणों द्वारा छठ पर्व का साफ सफाई का अभियान चलाया गया, जिसमें सरपंच, ग्रामवासी, व्यापारीगण, थाना प्रभारी द्वारा स्वच्छता संदेश देते हुए लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। परिपानी के साफ सफाई की गई और लोगों को साफ सफाई अभियान के प्रति जागरूक किया गया। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।